नमस्कार, दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश्वर रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती यानी कि माता लक्ष्मी के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। आओ जानते हैं बालाजी की कहानी और भक्त यहाँ क्यों चढ़ाते हैं पैसों का चढ़ावा और करते हैं बालों का दान। आइए जानते हैं। कलयुग के प्रारंभ होने पर ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु जी को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनकी शंका का समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब वह क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों को यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों पर दर्द ना हो जाए। यह देखकर ऋषि भृगु को जवाब मिल गया और उन्होंने यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित करने का फैसला किया। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और कारवीरापुरा यानी कि आज के कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गईं। कुछ समय के बाद वह भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्री पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देख ब्रह्मा जी और शिव जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ता शीर्ष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहों को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्हें चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब यह बात देवी लक्ष्मी यानी पद्मावती को पता चली तो वे वहां आई और तब उन्होंने श्री हरि को पहचान लिया, और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी जाना जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए यह अवतार लिया था। भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, इसलिए यहां बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। बाल और पैसों का भेंट देने के पीछे का यह कारण माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से ऋण ले चुके थे। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर यह शुल्क देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए यह कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेगा, देवी लक्ष्मी उन्हें 10 गुना ज्यादा धन देगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान को धन एवं बाल का भेंट देते हैं, ताकि भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद कर सके।
वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।